नमस्कार दर्शक बंधु, दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। महाभारत एमती एक प्रसंग आसे कि जेतेबले भगवान श्रीकृष्ण को बहुत बड़ बड़ विपदर सामना करने को पड़ा आते विपदर आभास है तापरे से दुईटी विशेष कार्य करते कौन अटे से ही विशेष विपद आउतांकु आभास केमिति। आज विशेष वीडियो रे आमे ए सबु विषय आपण मानकु कहिबु। दर्शक बंधु महाभारत रे एमिति अनेक सुजोग आसीथिला जेउटी श्रीकृष्णंकर जीवन जाई परिथांता, किंतु से बहुत ही चालाकी एवं शक्ति द्वारा निजकु बंचाईकि रखिथिले। थरे से काल्यवनर विपदरु निजकु बंचाईथिले। द्वितीय थर जेतेबेले द्रौपदींकर स्वयंवर हेबार थिला श्रीकृष्ण एकुटिया थिले एवं तापुनी निरस्त्र निजर शत्रु जरासंध पाखरे आउ तांकु हराइबाकु पहुंची जाइथिले। एही परिभावरे जेतेबेले थरे हस्तिनापुर को पांडव मानंकर शांति प्रस्ताव नहीकि से एकुटिया आसुथिले सेतेबेले से दुईटी कार्य करिथिले। दर्शक बंधु आमे जानिछंती सेही दुईटी विशेष कार्य विषय। प्रथम कार्य हला कौरव एवं पांडव मानक मध्यरे युद्ध को बंद करिबार शेष प्रचेष्टारे भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर को जीवापाई निर्णय नहींथिले, किंतु सेठारे शकुनी और दुर्योधन निजर कुटिल नीति द्वारा कृष्ण को मारिबाकु चाहुथिले। कारण पांडव मानकर सबुठारु सशक्त पक्ष सीए थिले आउ जदि से मरी जाई थांते ताहले युद्ध समाप्त हो जाई थांता। एमिथिरे श्रीकृष्ण एकथा जानिथिले कि हस्तिनापुर रे मु जदि केउठारे सुरक्षित रही पारिबि ताहले ताहा हेउछि विदुरंक घर। विदुरंक पत्नी जणे जदुवंशी थिले। द्वितीय कथा एहा थिला कि विदुरंकर दुर्योधन एवं शकुनी अनेक थर अपमान करिथिले त विदुर मध्य कोठी ना कोठी दुर्योधनक उपरे रागिथिले। दुर्योधन जेतेबेले विदुरंकर अपमान करिथिले त से पूरा सभारे एही निर्णय नेइथिले कि जदि से तांको उपरे विश्वास ही करंती नाही ताहले से मध्य एही युद्ध रे भाग नेबे नाही। एमितिरे विदुर युद्ध न करिबार संकल्प नेइथिले। जेतेबेले श्रीकृष्ण रातिरे विदुरंक घरे रहिले त विदुर श्रीकृष्ण को बुझाइथिले कि आपण एठाकु काहिंकि आसिले, से दुष्ट दुर्योधन काहार मध्य शुणे नाही आउ से आपणंकर मध्य अपमान निश्चय करिब। श्रीकृष्ण जानिथिले कि दुर्योधन पूरा सभारे तांकर मध्य अपमान करिपारे, किंतु तापरे परिस्थिति बदली जीव। एमितिरे तो हस्तिनापुर रे से विदुरंक घरे रहिबार निर्णय नेइथिले। कारण विदुरंक पाखरे एमिति अस्त्र थिला जहाँ अर्जुनंकर गांडीव ठारु मध्य अनेक गुणरे शक्तिशाली थिला। विदुरंकर सहयोगरे हिं श्रीकृष्ण हस्तिनापुर एवं राजमहल रे सम्मानर सहित प्रवेश करिथिले। द्वितीय काम एहा भगवान कृष्ण सात्यग्र योग्यता और निष्ठा उपरे संपूर्ण विश्वास करुथिले। जेतेबेले से पांडव मानंकर शांतिदूत पालटी हस्तिनापुर रे पहुंचिले निज साथीरे केवल से सात्यग्र को ही नै जाइथिले। कौरव मानंकर सभाकक्ष रे पहुंचिबा पूर्वरु से सात्यग्र को कहिथिले, एमितिरे त मु निजर रक्षा करिबा पई पूर्ण समर्थ अटे, किंतु जदि किछि भी कारण घटे जदि किछि भी अघटन घटे मु मरी जाए किंबा बंदी बनई दिया जाए ताहले आमर सेना दुर्योधनर वचनरु मुक्त होइजिबे आउ एभली परिस्थिति रे तुमे तांकर सेनापति रहिब एवं किछि भी कार्य करिबा पई स्वतंत्र रहिब। सत्य एहा बहुत भल भाबरे बुझी पारिथिले कि श्रीकृष्ण कौन कहिबाकु चाहुचंती, सेथिपई से पूरा सावधानतार सहित सभाकक्षर कबाट पाखरे बाहरे ही रहिले। आपणंकु कहि रखुचि सत्य उपरे विश्वास जोगु ही दुर्योधनर व्यवहार को देखि सभाकक्षरे श्रीकृष्ण कौरव मानकु धमकाउथिले, दूत भाबरे आसीथिबा मो सहित एठारे कोनोसी अनिष्ट करिबा पूर्वरु आपण एहा भाबि नेबा उचित कि जेतेबेले आमर जादव सेनांक पाखरे एही समाचार पहुँचि जीव
ताहले एही हस्तिनापुरर सड़क उपरे कौन सबु घटिबो एहा सुनिकि ही समस्त कौरव डरीगले कंपी उठिले एवं शकुनी सहित दुर्योधन को मध्य कौनसी धृष्टता करिबाकु अटकाई देले। सेतबेले श्रीकृष्ण शांति प्रस्ताव रखी पांडव मानक पई कौरव मानक पाखरु पांच गोटी गाँ मागिथिले किंतु दुर्योधन एही प्रस्ताव को मना करिदेले। एहा परे त आपण माने जानी कि कौन सबू घटिला दुनियार सबुठारु बड़ युद्ध अर्थात महाभारत होता। दर्शक बंधु जदि आपण मानू कथा भल लगी भिडियोटी भल लगी आमको कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव में आपण मतामत जनातु। धन्यवाद। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दिंटू।